मारपीट का जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, बदले से। काल की कायनात में वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे फाइटर अ क्रीज 3 के 10वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि दोनों फिल्मों में से किस फिल्म ने बाजी मारी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्रीज 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबरॉय, कंगना रनावत, अरिफ जकारिया, आसिफ बसरा और राजपाल यादव नजर आए थे। इस फिल्म को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। फिल्म के लिए म्यूजिक राजेश रोशन ने दिए थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 4100 स्क्रीन के साथ 1 नवंबर 2013 में रिलीज किया गया था। ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस में 25 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 166 करोड़ 12 लाख का कलेक्शन किया था और अपने 10वें दिन में 16 करोड़ 35 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने इंडिया में 244 करोड़ का लेफ्ट नेट कलेक्शन किया था, तो ओवरसीज में तकरीबन 61 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 374 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 95 करोड़ था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ये फिल्म 2013 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही थी। बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.2 रेटिंग मिले। तो दोस्तों, अब जानते हैं फाइटर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 24 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 123 करोड़ 40 लाख कर अपने पहले हफ्ते में 149 करोड़ 83 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने अपने 9वें दिन यानी शुक्रवार के दिन में 5 करोड़ 53 लाख का कलेक्शन किया, जिससे इस फिल्म के 9 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 155 करोड़ 36 लाख हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 185 करोड़ 40 लाख हो चुका है। टोटल ओवरसीज कलेक्शन लगभग 75 करोड़ हो चुका है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 9 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 260 करोड़ 40 लाख हो चुका है। दोस्तों, बात करें इस फिल्म के 10वें दिन के कलेक्शन की, तो आज इस फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है। ये फिल्म अपने 10वें दिन में इंडिया में लगभग 7 करोड़ का नेट कलेक्शन करने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 200 करोड़ है। तब तक की कलेक्शन के हिसाब से फिल्म बॉक्स ऑफिस में एवरेज साबित हुई है। फरवरी में कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, जिसके चलते इस फिल्म को फायदा होगा और हो सकती है फिल्म बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट या हिट भी हो जाए। बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 7.6 रेटिंग मिले। तो दोस्तों, अगर आपने दोनों फिल्म देख लिया तो आपको इन दोनों फिल्म में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।